ऋषिकेश में हनुमंतपुरम गंगानगर निवासी एक युवक पिछले 70 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। पुलिस अभी तक युवक को तलाश नहीं कर पाई है। घर का इकलौता बेटा होने की वजह से माता पिता बेहद ज्यादा परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। युवक के माता पिता का कहना है कि वह ऋषिकेश कोतवाली पुलिस से लेकर DGP तक गुहार लगा चुके हैं। लापता युवक मयंक के माता पिता ने यह कहा कि यदि उन्हें जल्दी उनका बेटा नहीं मिला तो वे भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। मेरा बेटा 30 सितंबर की रात को 9 बजे ड्यूटी से आया और 9:30 बजे करीब खाना खा के घर से घूमने का नाम पे गया। और उसके बाद उसका कोई मेरे पास फ़ोन आया था एक बार, आप कब आ रहे हो? उसने कहा कि मैं वॉक कर रहा हूँ और मैं घर चला जाऊँगा। उसके बाद उसका फिर कोई पता नहीं चला। उसका फिर स्विच ऑफ हो गया 11 बजे करीब। मैं लगभग 3 बजे दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचा। मैं सीधा थाने में गया रात को ही, तो वहाँ बेचारे पुलिस वाले थे दीवान जी। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे का स्विच ऑफ है, आप थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि आप पहली तारीख कल आना, कल सुबह 11 बजे आना तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कर लेंगे हम आपकी। और मेरे बेटे का नाम मयंक कौशिक है और वो जब से लापता हुआ किसी ने कोई खबर कहीं से कोई नहीं मिली। और माँ का दर्द तो सबको पता है कि कैसा होता है।